हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, बताइएगा कैसा मौसम हो रहा है आपके यहाँ आज। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है हरिद्वार में। आज नीला नीला आसमान है, बहुत अच्छी धूप निकली है, देख सकते हैं कितनी कड़क धूप है, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर चली गई है, शाम का टाइम हो गया है। कपड़े उतार रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ कपड़े अभी गीले से दिखाई दे रहे थे तो मैंने यहीं पे उनको पलट दिया है और सूखे कपड़े उतार लिए हैं। थोड़ा सा देर से धुले थे, जब अच्छे से धूप निकली है, आज एक हफ्ते बाद करीब अच्छे से धूप निकली है, तो आज सारा काम अच्छे से किया है साफ़ सफाई का, तो थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। फिर कस्टमर आ जाते हैं तो बीच बीच में मेरा काम ऐसा ही है, पता है आपको। और बेडशीट वगैरह भी धुली थी, फिर डस्टिंग भी अच्छे से होती है अगर बेडशीट वगैरह उतारते हैं। और धूप में ना काम करने का मन बहुत ज़्यादा करता है, तो चलिए कपड़े मैंने उतार लिए हैं। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? हेलो, कैसे हैं आप सब? तो बताइए अंश को भी, कैसे हैं आप सब? और मैं कितना बोलती हूँ इन तीनों से, वीडियो में बोला करो थोड़ा बहुत, लेकिन बोलते ही नहीं है। और इनके पास तो खैर टाइम ही नहीं है, कभी घर पे ही नहीं रुकते, हमेशा ऑफिस ऑफिस। संडे होता है तो संडे में इतने सारे काम होते हैं, और कभी कभी संडे में भी जाना पड़ता है या कहीं बाहर का प्रोग्राम बन जाता है, तो इस तरह से रहता है इनका। तो इनके पास टाइम नहीं है और बच्चे बोलते नहीं हैं, तो बची मैं मैं आपके सामने आ जाती हूँ बोलने के लिए, बात करने के लिए या बकबक करने के लिए। मुझे तो करनी पड़ेगी, मेरा तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए, आज का व्लॉग मैंने शाम के टाइम से शुरू किया है और अब शाम के 5 बज रहे हैं, लेट ही हो रहा है आज। उससे पहले आज धूप निकली थी तो बहुत सारा काम था, कई दिनों बाद धूप निकली है, कपड़े बहुत सारे थे। और उससे पहले मैंने बनाई है आज सूटों की वीडियो, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वो वीडियो पहले चले जाएगी और ये बाद में जाएगी, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट ज़्यादा हो गई हूँ। और आज है गणेश चतुर्थी, शनिवार का दिन है, तो हमारे यहाँ तो गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर मनाई जाती है, लेकिन हमारी साइड यूपी में, मुजफ्फरनगर साइड, उधर नहीं मनाई जाती। तो इसलिए आप लोगों को गणपति की ढेरों शुभकामनाएं। देख रही हूँ मैं स्टेटस लगाए हैं व्हाट्सएप पर, हमारे घर गणपति आए हैं, गणपति आए हैं या मंदिर में आए हैं। और हमारे यहाँ मंदिर में उत्सव होता था, काफ़ी बड़ा होता था मंदिर में, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है भीड़ भाड़ की वजह से, कोविड की वजह से, कि इतना मतलब बीमारी है, ऐसे में भीड़ भाड़ करना ठीक नहीं है। नहीं तो यहाँ पर कथा भी होती थी एक हफ्ता, 7 दिन, 7 दिन के लिए कथा का भी प्रोग्राम रखा जाता था, बाहर से आते थे पंडित वगैरह सब करने के लिए, तो उसमें भी मैं जाती थी 1-2 दिन, जितना भी टाइम लगता था। देखिए डेली तो मेरा टाइम नहीं लग पाता है, लेकिन मैं जाती थी और गणेश जी को भोग चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, जो भी अपनी श्रद्धा है, मन लगता था। आरती में तो खैर शाम को डेली ही जाते हैं, या बच्चे पापा ये सब जाते हैं, और जितना मेरा टाइम लगता है मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन इस बार कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, इस बार सब अपने घरों में ही कर रहे हैं, तो हमारे घर में नहीं होता है, मतलब हम घर में गणपति जी नहीं लाते हैं। वैसे मंदिर में तो पूजा करूँगी, गणपति उत्सव चल रहा है तब तक अच्छे से पूजा करूँगी, दोनों टाइम गणपति को भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी, और वैसे भी गणपति की आरती सुबह में होती है, ये करते हैं गणपति की आरती तो हमारे यहाँ होती है डेली। लेकिन ये नहीं है कि हम घर में जैसे दुर्गा माता लाते हैं, नवरात्रि करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ गणपति नहीं लाए जाते, तो ये नहीं मनाया जाता। तो जिनके यहाँ भी आज गणपति मनाया जा रहा है, आप लोगों को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति उत्सव में बहुत मन लगता है, अच्छा लगता है, तो चलिए फिर से आपको शुभकामनाएं। और गणपति को भोग तो मुझे भी लगाना है, पूजा मैं अच्छे से करती हूँ, जैसे कि अभी बताया, बस न्यू गणपति जैसे कि माता लेकर आते हैं तो वो हम नहीं लेकर आते, लेकिन पूजा मैं बराबर करूँगी, प्रॉपर तरीके से करूँगी, जितना मुझसे बन पड़ता है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ कुछ मीठा, गणपति को भोग लगाना है शाम के टाइम। सुबह मैंने ऐसे ही फल फ्रूट का लगा दिया था और अब शाम को लगाऊंगी मैं मीठे का, तो उसमें कुछ मीठा बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा सा लेट शुरू किया है, और काम भी लेट ही हो गया था करते करते, तो फिर आराम से थोड़ा सा रेस्ट किया कि चलिए आज थोड़ा सा लेट ही शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ा छोटी बना लेंगे,
तो फिर शाम का खाना भी बनने वाला है, शाम का टाइम हो जाएगा, हो ही गया है लगभग। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मीठा बनाने वाली हूँ भगवान जी के भोग के लिए, पूजा से पहले तैयार करना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर बनाएंगे खाना, खाना कुछ सिंपल ही बनेगा, कोई स्पेशल नहीं बनेगा। कपड़े उतारने हैं, कपड़े धुले थे जैसे कि मैंने थोड़े से उतार लिए, देखा आपने अभी थोड़े से उतार लिए हैं, बाकी मैंने वहीं पे पलट के छोड़ दिए हैं, और थोड़े बहुत गीले हैं तो वो भी सूख जाएंगे, तो वो थोड़ी देर में उतार लेंगे। धूप आज बहुत अच्छी हो रही है, कितने दिनों बाद मतलब ऐसे रोशनी सी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, सूख सी गया है सारे में, नहीं तो गीला गीला किच किच सी हो गई थी सारे में। थोड़ा सीलन सी का मौसम हो गया था, सीला सीला सा लग रहा था सब, मतलब सीलन सी आ गई थी ऐसा लगता है, कपड़े भी ऐसा लगता है कि जैसे बड़े मतलब गीले गीले से हो रहे हैं बारिश में, तो इस तरह से रहता है। तो आज अच्छा लग रहा है, सब सूख गया है, अच्छे से कपड़े सूख रहे हैं, सारा काम हो रहा है, और अब तो मौसम आगे आगे थोड़ा अच्छा ही आने वाला है, चाहे बारिश हो ना हो, थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी गर्मी अब जानी शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा अच्छा मौसम आना शुरू हो जाएगा। इन दिनों ना अच्छा लगता है, हरे हरे पत्ते सब धुला धुला सा बारिश के बाद, और जब चमकती धूप निकलती है इस मौसम में। आगे आगे अब ये भादों का महीना जाने वाला है, अगस्त का, और सितंबर में बहुत अच्छा मौसम आ जाता है, तो वो मौसम आने वाला है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में और बनाना शुरू करते हैं मीठा। मीठे में मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन और सूजी के लड्डू, जिनका मैं गणेश जी को भोग लगाने वाली हूँ आज। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना शुरू करते हैं बेसन और सूजी के टेस्टी से लड्डू। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने घी डाल दिया है आधा कटोरी। जो कटोरी से मैं घी डाल रही हूँ उसी से मैं बेसन लूँगी, उसी से मैं सूजी लूँगी। मैं बेसन और सूजी के लड्डू बनाने की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए बेसन मैंने डाल लिया है एक कटोरी, और अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बेसन थोड़ा सा बारीक होता है तो मिक्स करने में थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। और देखिए घी गर्म था तो इसलिए साथ साथ इसमें बॉयल आ गया है, और अच्छे से जो बेसन है वो घी में अच्छे से मतलब मिक्स हो गया है। और बस यहाँ अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। सूजी मैंने जहाँ तक कटोरी मतलब बेसन की ली थी उससे थोड़ा सा कम ली थी, क्योंकि सूजी में वेट होता है, सूजी ज़्यादा आती है, तो इसलिए बस हल्की सी कम ली थी। वेट में बोलूँ तो वेट में मैंने दोनों जो मतलब सूजी और बेसन की क्वांटिटी ली है वो बराबर ली है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, सब कुछ नहीं है। तो बस अब मैं इसको यहाँ भून लूँगी, और यहाँ मैं चाशनी के बगैर जो लड्डू बनते हैं वो बना रही हूँ, बूरे वाले, चाशनी वाले लड्डू नहीं बना रही हूँ। सूजी और बेसन के लड्डू चाशनी के भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने बारीक वाली सूजी ली है, मोटे वाली नहीं। और हाँ, अगर इस तरह से हम लड्डू बनाते हैं बूरे वाले बिना चाशनी के सूजी के, तो उसमें बिल्कुल बारीक वाली सूजी लेनी होती है, नहीं तो फिर वो बिखरी बिखरी मतलब मोटे मोटे दाने, और वो अच्छा टेस्ट नहीं आता है फिर बाद में। लेकिन जो बारीक है उसका टेस्ट अच्छा आता है। और फिर चाशनी नहीं है तो लड्डू हमारे बन नहीं पाएंगे, बिखरे बिखरे रहेंगे अगर मोटी सूजी लेंगे। तो बस सूजी यहाँ बारीक लें अगर इस तरह मिक्स लड्डू बनाते हैं। तो देखिए चलाते ही चलाते मीडियम आंच पर मैंने इसको भुना है और कलर चेंज हो गया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं, मैंने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता काटे हैं, और थोड़ा सा डाल दिया है इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। इलायची पाउडर से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ चला रही हूँ, आँच मैंने बहुत लो रखी है क्योंकि बेसन का कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है बेसन सूजी की। तो देखिए अभी थोड़ा सा ये मुझे लिक्विड सा दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं चलाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा डालूंगी। नारियल का बुरादा ना हो तो फ्रेश नारियल आप कद्दूकस करके ग्रेट करके डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक अलग सा ही टेस्ट आता है अगर हम इसमें नारियल डालते हैं। और मैंने खाली बेसन की जो बेसन के लड्डू की वीडियो डाली थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने नारियल नहीं डाला था। तो मैंने उसी कटोरी से आधा कटोरी यहाँ पर नारियल लिया है, कप बोलें कटोरी बोलें, लेकिन मैंने कटोरी से लिया है तो उतना मैंने लिया है। और देखिए अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है, जो मतलब घी था वो नारियल ने अब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से।
बस नारियल डालने के बाद मैंने हल्का सा ही इसको भूना है, जिससे कि नारियल में भी अच्छी सी खुशबू आ जाए, और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाला है यहाँ पे एक कटोरी बूरा, और बूरा भी बारीक वाला लेना है। अगर आपका बूरा मोटा है, तगार बोलते हैं बूरा जो भी आप बोलते हों, तो आपको थोड़ा सा उसको मिक्सी में चला लेना है। अगर मोटा होगा तो फिर हमारे लड्डू बन नहीं पाएंगे, बिखर जाएंगे। तो बस मैंने बारीक वाला यहाँ पे बूरा लिया है, और बूरा नहीं है तो आप चीनी पीस सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, उससे भी ये लड्डू अच्छे बन जाएंगे। और बस देखिए, अब इसको मैं हाथ से अच्छे से मैश कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैंने दूध में मिलाया है थोड़ा सा फूड कलर येल्लो वाला, तो यहाँ कलर अच्छा आने के लिए मैंने येल्लो कलर डाला है। और दूध इसलिए डाला है, 2-3 चम्मच के करीब मैंने दूध डाला है, जो सूजी है उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करने के लिए। तो दूध से सूजी में थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा और लड्डू हमारे अच्छे बन जाएंगे। बिना चाशनी के लड्डू हैं, तो थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए मैंने 2-3 चम्मच दूध ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और बस अच्छे से मिक्स किया है, और कलर देखिए कितना अच्छा हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ है। और मीठा मैंने जितना डाला है, ये कम ही डाला है, इसमें कम मीठे वाले ये लड्डू बनने वाले हैं, बहुत मीठे नहीं है, इससे कम मीठा ना डालें, इतना तो डालना ही है, ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं, आधा कटोरी और भी इसमें डाल सकते हैं मीठा, जिनको ज़्यादा मीठा खाना है। लेकिन आज मैं कम मीठे वाले बना रही हूँ, हालांकि हम भी मीठे वाले ही बनाते हैं, लेकिन आज इसलिए बना रही हूँ, फिर ये भी प्रसाद वगैरह लेंगे तो कम मीठे के ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और इतनी ये लड्डू सबको इतने पसंद आए, इतने टेस्टी लगे हैं ये लड्डू बहुत ज़्यादा, तो एक बार ट्राई करके देखना। इस तरह कोई चाशनी का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, बस यही है कि जो इंग्रेडिएंट है हमें वो बारीक वाले लेने हैं, सूजी भी बूरा भी, बेसन तो बारीक होता ही है। और बस एक एक करके इस तरह से मैं यहाँ पे सारे लड्डू तैयार कर लूँगी, और देखिए लड्डू तैयार हो गए हैं। थोड़े से मैंने डेकोरेट कर दिए हैं पिस्ता से, बारीक बारीक पिस्ता काट के रख दिया है, जिससे कि और सुंदर लगे। और हमारे दानेदार बेसन और सूजी के लड्डू बहुत ही टेस्टी तैयार हैं। और लड्डू में जो देसी घी की महक आती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए लड्डू हैं तैयार। तो बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, इंतज़ार करूँगी, और एक बार ट्राई भी करना। और बस पूजा वगैरह हो गई है, भगवान जी को भोग लग गया है, अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ खाना, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज फिर से गर्मी हो रही है, क्योंकि धूप अच्छी निकली थी, और धूप होते ही फिर गर्मी तो हो ही जाती है, लेकिन एक हफ्ता चला है अब बीच में मौसम बहुत अच्छा, रोज़ बारिश थी तो मौसम ठीक था। और यहाँ खाने में मैं बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल, तो बस उसी को मैं तड़का लगाने की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। चावल भिगा के रख दिए हैं, साबुत मसूर और चावल मैं यहाँ बनाने वाली हूँ, और रेसिपी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि रेसिपी दाल वगैरह की तो मैं दे चुकी हूँ काफ़ी, रोज़ रोज़ सिंपल खाने का क्या, और वीडियो को लंबा करना, तो बस थोड़ा सा मैंने ऐसे ही कैमरा लगा लिया है। और बस यहाँ तड़का बना रही हूँ, मसूर को मैं पहले ही छोंक देती हूँ टमाटर के साथ, प्याज के साथ, मसूर मैं बाद में नहीं करती। और मेरे यहाँ ऐसा भी नहीं है, चाहे चने की दाल हो या मसूर हो साबुत, तो मुझे भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही मसूर बहुत अच्छी हो जाती है। मैं धूप में सुखा लेती हूँ दाल वगैरह, चने की दाल और साबुत मसूर, सारी दाल सुखा लें बरसात के मौसम में तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैं धूप में सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास धूप का ऑप्शन है, नीचे ही, कहीं ऊपर भी नहीं जाना पड़ता, तो सूखी हुई दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। चावल मैंने भिगा के रख दिए थे, बस साथ साथ मैं चावल का पानी चढ़ा दूंगी, और टमाटर डाल दिए हैं मसाला होने के बाद, सूखे मसाले डाले हैं, और मिक्स करने के बाद फिर टमाटर डाल दिए हैं, जैसे नॉर्मल डेली मैं डालती हूँ। टमाटर पहले ही पीस के रख लिए थे, अदरक टमाटर हरी मिर्च और प्याज काट ली थी। बस इस तरह से अपनी सिंपल सी मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूंगी, जिससे कि वो थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी बनेगी, अच्छी लगती है। चने की दाल भी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है, और मसूर की दाल भी, टमाटर इतने खट्टे नहीं होते हैं, टमाटर से वो खटास नहीं आता। टमाटर तो हालांकि मैं ज़्यादातर दाल में डालती ही हूँ, अगर हींग जीरे के जो मैं तड़के वाली कभी दाल बनाती हूँ उसमें मैं टमाटर नहीं डालती, बाकी प्याज वाली दाल में तो मैं टमाटर डालती ही डालती हूँ।
तो बस दाल भी मैंने डाल दी है टमाटर होने के बाद, और पानी डाल दिया है जितना मुझे चाहिए, नमक डाल के लगा दिया है ढक्कन। अब इस दाल में मैं 3 से 4 सीटी लगवाऊंगी और ये दाल एकदम परफेक्ट तैयार मिलेगी। और बस यहाँ मैंने भगोने में चढ़ा दिया है पानी दूसरी गैस पर, तो खाना तो आज बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। दाल चावल का खाना बहुत जल्दी बनता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। और खाना मैंने चढ़ा दिया है, जो मेरे बर्तन थे वो भी मैंने कर लिए हैं। यहाँ ये ऑफिस से आ गए थे और नहा धो लिए हैं, तो मैं लेकर आई हूँ थोड़े से फ्रूट इनके लिए, बनाना, एप्पल और अमरूद। अमरूद हमारे घर के ही चल रहे हैं, रेडीमेड लेने नहीं पड़ रहे हैं, बाहर से अब तक अमरूद नहीं लिए हैं हमने। तो बस मैं थोड़े से फ्रूट लेकर आई हूँ, अभी ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अभी आए हैं, नहाए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। और अभी खाना बना ही है तो थोड़ा रुक कर ही खाना खाएंगे, जल्दी बना दिया है थोड़ा सा आज मैंने, देर नहीं होती। मेरा ये होता है अगर कोई खाने के टाइम पे कस्टमर आ जाए तो फिर खाना बनने में लेट हो जाता है, नहीं आता तो खाना जल्दी बन जाता है, तो खाना जल्दी बन गया है। पापा भी अभी खाना नहीं ले रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वे भी अभी नहीं खाना लेंगे, तो अभी खाना हमारा किसी का भी नहीं हुआ है। तो बस अब हम बैठेंगे यहाँ पर। श्रेय की ट्यूशन की क्लासेस ख़त्म हो गई है, वो भी ट्यूशन कर रहा था। तो देखिए खाना लग गया है, आइए आप लोग भी दाल चावल सिंपल हमारा ये खाना एंजॉय कीजिए। और फुलके नहीं सेके हैं, इन्होंने मना कर दिया ये, और मैं ही लेते हैं, पापा कभी नहीं लेते चावल के साथ, ना बच्चे लेते हैं और ना इनकी पुआ लेती है, तो कोई नहीं लेता है, बस हम दोनों लेते हैं। तो इन्होंने फिर मना कर दिया था कि फुलके मत सेको, क्योंकि फ्रूट वगैरह ले लिए थे तो इतनी भूख नहीं थी, तो थोड़े थोड़े दाल चावल ही लिए हैं। और खाना पीना हमारा हो गया है, बर्तन सब मैंने किचन का काम सारा निपटा लिया है, अब फिर से बैठे हैं। ये तो टीवी देख रहे थे लेकिन मैं ही बैठ गई हूँ टीवी के आगे अड़ के, तो बस यहाँ थोड़ी सी बातें यही चल रही हैं। कल संडे है तो क्या प्रोग्राम रहने वाला है, ऑफिस की तो इनकी कल की छुट्टी है, ऑफिस की रहती तो है ही संडे में, कभी होता है ऐसा जो जाते हैं, लेकिन आज इनको कुछ अलग काम है, बहुत सारे काम है मतलब, तो बस वही बातें हो रही हैं कि किस टाइम क्या करना है कैसे होगा। पहले थोड़ा सा बातें हो जाती हैं, इस तरह से प्रोग्राम बन जाता है तो फिर काम इजी हो जाता है। तो मुझे भी जाना था लेकिन मेरा टाइम नहीं निकल पाया, इनके अपने ही काम हुए हैं बस, तो बस यही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। और गर्मी काफ़ी थी आज, तो एसी चला रखा है अब तो, बाकी अब एक हफ्ते में बहुत मतलब कम चलाना पड़ा है, लेकिन आज गर्मी है। तो बस सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ बैठी थी और बातें हो रही हैं बच्चों से भी, इनसे भी, हम सारे बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। और अगर मैं टीवी के सामने ना बैठूं तो फिर ये टीवी ही देखते रहते हैं, फिल्म देख रहे थे कोई, इनका ऐसा है अगर टीवी चला मिल गया तो देख लिया, नहीं तो बंद है तो बंद ही है, क्योंकि श्रेय की क्लासेस चलती हैं देर तक, आज थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गई, उसकी एक क्लासेस नहीं आई आज ट्यूशन की, 3 आती हैं, तो बस आज टीवी चला लिया, नहीं तो टीवी नहीं चलता, कम ही चला पाते हैं टीवी, इतना शौक़ ही नहीं है टीवी देखने का हमारे यहाँ, कमी है बस पापा का तो है डेली का, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं उन्हें कोई ऐसा काम भी नहीं है, तो वो तो टीवी चलता ही है हमारा, ये वाला नहीं चलता, तो कम ही चलाते हैं हम तो। तो चलिए बस यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, आज कोई ज़्यादा नहीं था, छोटी सी वीडियो है, आपको कम टाइम लगेगा देखने में। और अब कर देते हैं वीडियो का एंड। और हाँ, उससे पहले मेरी जो फैब्रिक की वीडियो गई है, तो जिसने ना देखी हो, कल मैंने संडे में, आज मंडे को ये वीडियो जाने वाली है, संडे में मैंने फैब्रिक की वीडियो डाली थी सूट कलेक्शन की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको व्हाट्सअप नंबर और जो मेरे कलेक्शन होते हैं वो मिल जाएंगे।
तो चलिए अब कर देते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और बस लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।